इधर दिल्ली के सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस में नया खुलासा हुआ है। श्रद्धा की हत्या आरोपी का कब होगा नार्को टेस्ट? श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफ्ताब का वीडियो सामने आया है। लिव इन से लेकर किलिंग तक इस हत्याकांड से जुड़े कितने किस्से हैं, कितने राज हैं, ये तमाम बड़ी खबरें आप देखिए श्रद्धा अपडेट टॉप 9 में। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का अगले हफ्ते होगा नार्को टेस्ट। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में किया जाएगा नार्को टेस्ट। साकेत कोर्ट ने 5 दिन के अंदर रोहिणी फॉरेंसिक साइंस लैब को आफ्ताब पूनावाला के नार्को टेस्ट कराने का दिया था आदेश। दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में होने वाले आफ्ताब के नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान आफ्ताब से 50 से ज्यादा सवाल किए जाएंगे, जिसमें 1 से 2 दिन का समय लगेगा। नार्को टेस्ट के दौरान अस्पताल और एफएसएल की टीम के 4 से 5 सदस्य शामिल होंगे। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पहला वीडियो आया सामने। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। वीडियो में चेहरा छुपाने के लिए हुड वाली जैकेट पहने हुए दिख रहा है आफ्ताब। आफ्ताब को लेकर फ्लैट पर सीन रिक्रिएशन कराने के लिए पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम। आफ्ताब वीडियो में अपने कपड़े भी लेकर जाता दिख रहा है। श्रद्धा और आफ्ताब मई में ऋषिकेश के शिवपुरी और गुल्लर घूमने गए थे। इसी दौरान श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर गंगा किनारे से एक वीडियो रील पोस्ट की थी। TV9 भारतवर्ष की टीम ने श्रद्धा के गंगा किनारे वीडियो रील बनाने वाली जगह की पड़ताल की। ये वो पत्थर है जहाँ पर श्रद्धा बैठी थी। श्रद्धा हत्याकांड को लेकर BJP सांसद साक्षी महाराज ने केंद्र सरकार से लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए सख्त कानून बनाने का समय आ गया है। केंद्र सरकार को इस पर तुरंत विचार करना चाहिए। श्रद्धा के दोस्त गोडविन ने आफ्ताब की बेरहमी को लेकर TV9 भारतवर्ष पर बड़ा खुलासा किया है। गोडविन ने कहा कि श्रद्धा से हमेशा मारपीट करता था आफ्ताब। एक बार श्रद्धा ने मुझसे मांगी थी मदद। श्रद्धा ने 23 नवंबर 2020 को मुंबई के नालासोपारा में आफ्ताब के खिलाफ दर्ज कराई थी मारपीट की शिकायत। हमने श्रद्धा को मेरे घर पे बुलाया और जो कंडीशन में वो आए थे फिजिकल अब्यूज के, उनके यहाँ पूरा ब्लैक स्पॉट हुआ था, ब्लड क्लॉट हुआ था, उनके लोअर वेस्ट पे मतलब मार लगा था, वो इतनी फेयर थी कि वो क्लियरली विजिबल था। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर BJP सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान। कहा, हिंदू बहनों को एक बार फिर सावधान करना चाहूंगा कि वो ये कतई ना सोचे कि हमारा वाला तो अब्दुल है, वह आफ्ताब नहीं हो सकता। हमारी बेटियों और बहनों को अब्दुल और आफ्ताब से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा मर्डर केस की जांच की तेज। मर्डर के सबूतों को जुटाने के लिए आफ्ताब को हिमाचल, मुंबई और उत्तराखंड लेकर जाएगी पुलिस। आफ्ताब के लैपटॉप से भी कई अहम राज आए सामने। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।